उधम सिंह नगर के पास आबादी क्षेत्र में उस समय दहशत का माहौल हो गया जब जंगल से इलाके में एक भालू आ गया। बताया जा रहा है कि सीमांत खटीमा के वन क्षेत्र से आबादी क्षेत्र में एक भालू में घुस गया। भालू को देखकर दहशत के मारे लोग घरों में दुबक गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस और वन विभाग की टीम को सूचना दी। वहीं सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची। तलाशी और रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद भालू को पकड़ा, तब जाकर लोगों ने राहत की सांस ली। ग्राम सूर्य मौलिया के प्रधान द्वारा जो है दूरभाष पर बताया गया कि एक भालू किसी कास्का का जो बाग था वहां पे आ गया अपने स्टाफ को लेकर के। जहां पे भालू था मैं वहां गया, मैंने भालू को वहां देखा तो भालू आम के बाग में छिपा हुआ था। हमारे एसपी साहब के निर्देशन में जो है उस उक्त जो है भालू को जो है रेस्क्यू किया, सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। रेस्क्यू तुरंत करने के तुरंत बाद जो है पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर उनियाल मांगती जी द्वारा जो है उसके स्वस्थ होने के उपरांत जो है उसको जो है नखाताल वन क्षेत्र में उसको सुरक्षित छोड़ दिया गया। आपको बता दें कि खटीमा के आसपास घने जंगल होने की वजह से जंगली जानवर अक्सर आबादी क्षेत्र का रुख कर लेते हैं, जिसकी सूचना मिलने पर वन विभाग उन्हें रेस्क्यू कर सुरक्षित उनके वास स्थलों पर छोड़ने का काम करता है। पंजाब केसरी टीवी के लिए उधम सिंह नगर से निजामुद्दीन शेख की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।